कौन कब कितना मेरा है सबका हिसाब रखता हूँ, कि कौन कब कितना मेरा है मैं सबका हिसाब रखता हूँ, बेबाक आवारा पंछी हूँ जनाब, अपनी तहजीब में तेजाब रखता हूँ। तो मैं शुरुआत करता हूँ अपने इश्क से कि ये ऐसा दुख है जो सहा भी नहीं जाता, तबीयत तेरी खराब रहती है और सूख मेरा गला भी जाता, कि ये ऐसा दुख है जो सहा भी नहीं जाता, तबीयत तेरी खराब रहती है और सूख मेरा गला भी जाता, तुझसे गुस्सा होना एक अलग बात है लेकिन, कि तुझसे गुस्सा होना एक अलग बात है लेकिन, तुझसे बात किए बिना और रहा भी नहीं जाता। और आगे लिखा है, एक लाइन लिखी है कि है इतना सख्त लहजा उसका मत पूछो, कि है इतना सख्त लहजा उसका मत पूछो, है इश्क उसी से और कहा भी नहीं जाता। कि अभी जैसे मेरे भाई ने मेरे को चढ़ाया कि मानना क्या है, तो उस पर लिखा है कि चिढ़ाते हैं लोग अब तेरे नाम से मुझे, कि चिढ़ाते हैं लोग अब तेरे नाम से मुझे, भागने को जी करता है और दिल से उठा भी नहीं जाता। कहते हैं कि मतलब मुसलमान लड़कियों के चेहरे पर बहुत रौनक होती है, एक बहुत नूर होता है, तो लिखा है कि ये अपने आशिकों पर भी तुम कैसे कैसे सितम ढाती हो, ये अपने आशिकों पर भी तुम कैसे कैसे सितम ढाती हो, एक तो तुम मुस्लिम हो दूसरा बिंदी लगाती हो। और आगे कुछ लिखा है कि है ये दिल का अजीब हाल भी, तेरे पास आने की खुशी है और दूर जाने का मलाल भी, मरना तय है मेरा तुझसे मिलकर, कि मरना तय है मेरा तुझसे मिलकर, एक तो तेरी बिंदी कातिल दूसरा झुमके कमाल भी। और आगे लिखा है कि कहीं देखकर भूल ना जाऊं तेरी आंखें सब कुछ, कि कहीं देखकर भूल ना जाऊं तेरी आंखें सब कुछ, मैं लिख कर लाया हूं अपने सारे सवाल भी। और अब उसकी ही रफाकतों में गुजरे बस ताउम्र मेरी, रफाकत मतलब होता है दोस्ती या प्यार, तो ये होता है कि और अब उसकी ही रफाकतों में गुजरे बस ताउम्र मेरी, हाय बड़े महंगे ख्याल हैं मेरे भी। और दो लाइनें लिखी थी कि तू अगर लिपट जाए मुझसे किसी आफत की तरह, कि तू अगर लिपट जाए मुझसे किसी आफत की तरह, तो सारे पीरों से तौबा ना कर लूँ तो कहना। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। कहते हैं कि ब्रेकअप के बाद ऐसा होता है ना कि यार मनाना रूठना मनाना सब चलता रहता है, और बट ना एक काम करना कि अगर जो तुमको छोड़ के चला जाए ना तो बस चला ही जाए, ठीक है। तो उस पर लिखा है कि अब इन बातों का मुझ पर कोई तर्क नहीं बनता, कि अब इन बातों का मुझ पर कोई तर्क नहीं बनता, मुझ में मैं मर गया हूँ अब तू मर जाए फ़र्क नहीं पड़ता। और आगे लिखा था ये कि मैं रख के होठों पे हाथ सारे अल्फाज कह देता हूँ, कि मैं रख के होठों पर हाथ सारे अल्फाज कह देता हूँ, मैं कलम उठाता हूँ और सारे राज कह देता हूँ। और दो लाइनें हैं, सुनना मज़ा आ जाएगा कि और अब कोई पूछे मुझसे कैसी है तू, और अब कोई मुझसे पूछे कि कैसी है तू, मैं हंसता हूँ और तुझे धोखेबाज कह देता हूँ। एक अंतिम लाइन पढ़ के मैं बस विदा लेना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं, कि लास्ट लाइन ये है कि कुछ इस तरह भी तुझे तेरी औकात बता दूंगा मैं, सुनना, कि कुछ इस तरह भी तुझे तेरी औकात बता दूंगा मैं, कि लिखूंगा एक तेरे नाम पर किताब और फिर उसे आग लगा दूंगा मैं।